धमधा समेत पूरे इलाके में जोरों से रेत की कालाबाजारी की जा रही है। जहां एक तरफ राज्य सरकार ने रॉयल्टी को लेकर शक्ति दिखाई है, वहीं दूसरी ओर बिना रॉयल्टी के रेत माफियाएं रेत का परिवहन कर आमजनों से पैसे वसूल रहे हैं। बता दें कि नगर में कुछ ठेकेदार दुकानदारों द्वारा शासकीय जगह पर अवैध रूप से रेत का भंडारण कर रहे हैं। साथ ही कई दुकानदार अपनी निजी जगह पर 50 ट्रिप तक बिना अनुमति के अवैध भंडारण कर रहे हैं, जिसे बारिश के मौसम में आमजनों को बेचा जाएगा। इस मामले की कई बार अधिकारी से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन दिनों धमधा क्षेत्र में अवैध मुरम और अवैध रेत भंडारण और उसके परिवहन और उत्खनन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। और इस वक्त हम धमधा इलाके के महज धमधा थाने से, धमधा मुख्यालय सभी कार्यालय से, SDM ऑफिस से, तहसीलदार ऑफिस से महज 2 किलोमीटर दूर ये महाराजपुर नामक ग्राम का ये रोड है, जहाँ पे देख सकते हैं आप कि अवैध भंडारण रेत का इतने बड़े पैमाने पर किया गया है और इसे बहुत ही ज़्यादा दर पे आमजनों को बेचा जाता है। एक ट्रैक्टर की कीमत कम से कम 5,500 से 6,000 रुपया तक के आकलन की गई है और ये बहुत बड़ा एक स्कैम है रेत माफियाओं का। और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जहाँ पे देखा जाए कि इनके हौसले बुलंद है, बिना रॉयल्टी के यह गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, पूरा मामला सेटअप हो जाता है। बिना रॉयल्टी गाड़ी में इतनी बचत करके इन लोग बड़ा राजस्व का घाटा कर रहे हैं शासन का, और एक जगह में डंप करने का जो नियम भी नहीं है उस नियम को फॉलो ना करते हुए एक जगह पे बहुत सारा डंपिंग करके यहाँ पे ट्रैक्टर टू ट्रैक्टर अधिक से अधिक भाव में पूरे मार्केट पे बेचा जाता है। इन दिनों धमधा क्षेत्र में अवैध मुरम और अवैध रेत भंडारण और उसके परिवहन और उत्खनन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। और इस वक्त हम धमधा इलाके के महज धमधा थाने से, धमधा मुख्यालय सभी कार्यालय से, SDM ऑफिस से, तहसीलदार ऑफिस से महज 2 किलोमीटर दूर ये महाराजपुर